पेजर ब्लास्ट के बाद इसराइल और ईरान में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही में हुए विस्फोट में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी आंख में चोट लगने की बात सामने आ रही है। इस घटना को लेकर संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने कहा है कि वो इस हमले पर कार्रवाई करेगा। ईरानी दूत ने कहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा करेगा। इन हमलों के लिए लेबनान और ईरान ने इसराइल को दोषी ठहराया है। बता दें कि इससे पहले तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ईरान ने कहा था कि वो इस हत्या का बदला लेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक इसराइल पर कोई हमला नहीं किया। माना जा रहा है कि ईरान एक पूर्ण युद्ध और बड़े नुकसान से बचने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब अपने राजदूत पर हुए हमले के बाद ईरान क्या कदम उठाएगा, इसको लेकर अभी भी सभी की निगाह ईरान पर टिकी हुई है। बता दें 1980 के दशक में इराक के साथ कई साल चले युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ था। इस युद्ध ने ईरान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया था। इस युद्ध के बाद ईरान किसी भी कीमत पर एक और पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद ईरान ने अब अपने प्रॉक्सी पर ज्यादा भरोसा जताया है, लेकिन अब उसे अगले कदम के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। ईरान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसराइल पर अगर वो हमला करता है तो अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। ईरान कहीं ना कहीं इसराइल को टक्कर देने की ताकत रखता है और वो जब चाहे तब इसराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी डर की बात अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल में गहरे संबंध हैं और अमेरिका इसराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसीलिए ईरान का डर इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका ही है, जिसकी वजह से ईरान ने अभी तक अपने हाथ बांध रखे हैं। इतना ही नहीं, अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो उसको पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि ईरान ने इसराइल पर प्रॉक्सी वार जारी रखा है। उसने अपने सहयोगी हमास हिजबुल्ला जैसे गुटों के सहारे अपने हित को साधने की कोशिश की है। ईरान इस समय क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। ईरान तब तक अपने रणनीतिक धैर्य को बनाए रखेगा जब तक वह अपनी रेड लाइन की रक्षा कर सके। ईरान के लिए इस समय रेड लाइन तेल और गैस फैसिलिटी, बंदरगाह और बांध, क्षेत्रीय अखंडता और अपने राष्ट्र अध्यक्ष की सुरक्षा सबसे पहले है। मध्य पूर्व एशिया के देशों में ईरान अपनी अलग पहचान रखता है। इसका एक कारण इसकी भू राजनीतिक स्थिति है। ईरान में ईंधन, तेल, खनिज, गैस का भंडार है। ईरान की सीमा इराक, सीरिया, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है। एक तरफ से कह सकते हैं कि मध्य पूर्व में ईरान दुनिया के एक बड़े खजाने के ढेर पर बैठा है। मध्य पूर्व एशिया में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जो अमेरिका को सीधी चुनौती देता है और इसराइल से बदला लेने के लिए बेताब है। अमेरिका और इसराइल इसके लिए सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने से बचते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा प्रॉक्सी वार इसके साथ खेलते हैं।